भारत को मिले दो ऐसे खतरनाक किलर गन जो कई सौ किलोमीटर दूर से दुश्मन को करेगा खाक। एक सेकंड के अंदर दुश्मन के सीने में दागेगा 15 गोलियां। जी हाँ, आपने दुनिया में देखी होगी कई बंदूकें, राइफल, पिस्टल, LMG, MMG, सब कुछ, लेकिन दावे के साथ हम कह सकते हैं आपने ऐसा खतरनाक हथियार नहीं देखा होगा। यह हिंदुस्तान की तैयारी चीन के लिए है जो LSC सीमा विवाद के लिए भारत ने की है। छोटे हथियार से लेकर भारत के पास 5000 किलोमीटर तक सब कुछ राख करने वाले खतरनाक हथियार भारतीय जंगी बेड़े में शामिल हो चुके हैं। छोटी रेंज की मिसाइल से लेकर भारत में अब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की क्षमता भी हासिल हो चुकी है। लेकिन इस खबर में आपको हम एक ऐसे किलर गन के बारे में बताने वाले हैं, भारत का एक ऐसा हथियार जिसकी 15 गोलियां निशाना सिर्फ 60 सेकंड से भी कम समय में मिलो दूर गोलियां जाकर दुश्मन के सीने को छलनी छलनी कर देगी। भारत में इस हथियार की एंट्री हो चुकी है, यह जल्द भारतीय जवानों के हाथों में पहुंचने वाला है। चीन जैसे ही कोई नया हथियार LSC पर तैनात करता है, उसके बदले में भारत इतना खतरनाक हथियार को लद्दाख पहुंचा देता है। चीन की सभी तैयारियां एक झटके में तबाह हो जाती है। चीन ने S-400 की तैनाती की तो उसके बदले में भारत ने S-400 के साथ साथ एक स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम को तैनात कर दिया। लेकिन ड्रैगन अपनी विस्तारवादी सोच के चलते अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार LSC बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से युद्ध की मुकम्मल तैयारी में जुटा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नियमों का उल्लंघन करते हुए खतरनाक से खतरनाक हथियारों को भारत के खिलाफ उपयोग करने के लिए बॉर्डर पर उतार चुका है। लेकिन भारतीय फौज के डर की वजह से अभी तक चीन भारत पर हमले का साहस नहीं जुटा पाया है। उधर ड्रैगन जिस प्रकार से अपनी विस्तारवादी सोच पर ब्रेक नहीं लगा रहा है, कभी समुद्र के रास्ते तो कभी जमीन के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब भारत को भी इसके खतरे का अंदाजा हो चुका है, जिसके चलते कई खतरनाक हथियारों को लद्दाख भेजा जा चुका है। लेकिन जिस स्तर पर चीन और भारत की तैयारियां LSC पर चल रही है, उसको देखकर लग रहा है कि यह तनातनी का माहौल काफी लंबा चलने वाला है, जिसको देखते हुए भारत ने भी हथियार जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। भारतीय सेना की तैयारियों में इस बार आर्यपार की झलक साफ दिखने लगी है। अपने स्वदेशी हथियारों को पहले ही लद्दाख में अलर्ट मोड में रखा है, तो वहीं अब इजराइल से भी हथियारों की खेप भारत पहुंचने लगी है। उधर इजराइल ने भारत को कई हथियार पहुंचा दिए हैं और आने वाले कुछ दिनों में बचे हथियार भी भारत को जल्द से जल्द पहुंचा देगा, और इसमें वही हथियार शामिल होंगे जिसके दम पर इजराइल पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डर फैला चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा हथियार भारत के हाथ लगा है जिसके आने से भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप इस किलर गन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। भारत को मिलेगा अब इजराइल का मिनी ड्रोन गन, बिजली की रफ्तार से खाक होंगे चीनी फौजी। भारत ने जो अपनी तैयारियों का बिगुल फूंका है, उससे जिनपिंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब इजराइल ने रूस को चीन के पक्ष में झुका देखा तो अपने दोस्त भारत के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को देने के लिए सहमत हो गया है। इसी कड़ी में सबसे पहले इजराइल रिमोट कंट्रोल किलर गन भारत को सौंपेगा और उसकी एक गोली मीलों दूर जाकर दुश्मन का काम तमाम कर देगी। दोस्तों, इस किलर गन को जानने से पहले इसी कारनामे के बारे में जान लीजिए, जिसके बाद आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। दोस्तों, नवंबर 2020 में ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जाहेद की हत्या ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ईरान ने इस हत्या का आरोप अपने कट्टर दुश्मन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया था। अब एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोहसिन फखरी जाहेद की हत्या के लिए रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे मीलों दूर से मोसाद ऑपरेट कर रहा था। मोहसिन फखरी जाहेद को गोली से मारा गया था और ये गोली मीलों दूर से आई थी। दोस्तों, इस किलर गन का नाम स्मास 2000 है। इसी हथियार के दम पर इजराइल ने बीते दिनों ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरी जाहेद की हत्या की थी। अमेरिका के बार बार कहने पर भी ईरान परमाणु हथियारों की निर्माण की अपनी गतिविधि को नहीं रोक रहा था, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान के परमाणु साइंटिस्ट की समास्ट 2000 से हत्या कर दी थी।
जिसके बाद इस गन की पूरी दुनिया में चर्चा हुई और अब यहां तक कि अमेरिका भी इस हथियार का कायर हो गया है और उसने भी इस हथियार को खरीदने के लिए इसराइल से डील कर डाली है। लेकिन भारत का चीन से बिगड़ते हालात को देखकर इसराइल सबसे पहले भारत को शमास 2000 सौंपेगा। दोस्तों यह बंदूक अपने आप लक्ष्य को स्कैन कर निशाने को लॉक कर सकती है, जिसके बाद दूर बैठा ऑपरेटर टेबलेट जैसी वायरलेस डिवाइस जब चाहे तब फायर कर सकता है। बता दें कि इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने जुलाई में स्मास प्रोडक्ट से जुड़ी स्मास होपर गन को विकसित किया था। इस गन को लाइट रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम स्मास 2000 कंप्यूटरीकृत गन साइट और दूर से नियंत्रित किए जाने वाले माउंट से मिलकर बना है, जिसे किसी ट्राइपोड, जमीन या किसी गाड़ी के ऊपर लगाया जा सकता है। यहां तक कि दोस्तों इसे भारतीय राइफल पर भी लगाया जा सकता है। यह भारत के लिए और भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि एलएसी पर एक खुला स्थान जहां पर टैंक और बंदूकें ही अधिक कारगर साबित होते हैं। आपको बता दें भारत पहले ही K9 वज्र को लद्दाख में तैनात कर चुका है, जिसकी काबिलियत के आगे चीन के सभी टैंक कमजोर पड़ गए हैं। यह भारतीय K9 टैंक और तोपे दोनों का काम करते हुए 15 सेकंड में तीन दिशा में तीन गोले दाग सकती है और यह गोला 50 किलोमीटर दूर तक कुछ भी बचने नहीं देता है, सब कुछ राख कर देता है। तो वहीं अब भारत को इसराइल से मिलने वाला स्मैश 2000 चीन की नापाक चाल पर ब्रेक लगा देता है, क्योंकि इसमें ऐसी तकनीक लगी हुई है जो दुश्मन पर निशाना तो लगा सकती है, तो वहीं यह मिनी एयर डिफेंस सिस्टम का भी काम करती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं जो किसी भी हमले को लॉक करके उसको हवा में ही नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, यह हथियार करीब 120 मीटर ऊंचाई तक उड़ रहे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा भारत चीन के खिलाफ ऐसे ड्रोन की फौज उतारने वाला है जिससे चीन का बचना बहुत ही मुश्किल है। ये ड्रोन एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में एक साथ दुश्मन पर वार करते हैं, जिससे बच पाना असंभव होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन ड्रोनों को काउंटर करने के लिए कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अभी तक कोई भी देश नहीं बना पाया है। चीन के द्वारा एलएसी बॉर्डर पर भारत के खिलाफ तैनात किया गया रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इन ड्रोन के आगे बेअसर साबित हो सकता है, क्योंकि ये ड्रोन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि उनको मिसाइल डिफेंस सिस्टम खत्म नहीं कर पाता। उससे पहले ही ये ड्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर सकता है। हम जिस ड्रोन की बात करते हैं उस खतरनाक ड्रोन का नाम स्वार्म ड्रोन है। भारत की तैयारियों से डरा चीन, युद्ध के मुहाने पर पहुंचकर भी कर रहा युद्धाभ्यास। खबर है कि चीनी सेना सियाचिन में रात का युद्ध अभ्यास कर रही है, जिसको लेकर जानकारों का मानना है कि यह भी छोटी छोटी आग वालों की चीनी सेना को रात में युद्ध लड़ने का जरा सा भी अनुभव नहीं है, इसलिए चीनी सेना सियाचिन में रात में युद्ध का अभ्यास कर रही है। चीन जानता है कि भारत रात में भी बड़े बड़े कारनामे करता है। पाकिस्तान के बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक को रात में भारत ने अंजाम दिया था, जिसको चीन और पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।